I met a girl and her name is Anjani. Anjana khwab tha ban gaya zindagi. Yu hi hoti hai na sab ki kahani, shuru hogi kahan kisi ne na chali. Ittefaqon mein laakhon mein milte hain ajnabi. Anjana I want you guys to meet these guys. Best contestants in the history of reality TV. The best. And these guys, the best judges in the history of reality TV. Hi Anjani. Hello. Sajid, Wajid, Daler Paji in the legendary jacket. Ladies and gentlemen, aap sabhi ka swagat hai. Hero Honda, Saregamapa, singing Superstars mein. और आज वैसे यहाँ पे एक कमाल की बात देखने को मिली है कि आज हमारे साथ ये जाने पहचाने अनजाने, इन्हें मैं अनजाना कहूंगा, द हंक, जिनका यहाँ सब इंतजार कर रहे थे, रणबीर कपूर। और जानी पहचानी अनजानी, द हॉट, द क्यूट, द कैरिस्मेटिक प्रियंका चोपड़ा। वैसे एक बात यहाँ पे कहनी पड़ेगी, चाहे वो इनकी कार हो, चाहे वो इनका प्यार हो, ये बड़ी चर्चा में आजकल। मैं कहूँगा आप लोग क्यों ना अनजाना अनजानी के बारे में हमें कुछ बताएं, प्लीज। ओके, सबसे पहले हाय एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस शो पर हैं। एक्चुअली ये शो ही नहीं, अभी ये हिंदुस्तान की हर फैमिली का हिस्सा बन गया, ये शो जिसे कहते हैं हीरो होंडा सारेगामा। वो शो जो सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को इतने टैलेंटेड सिंगर्स दे रहा है, इतना टैलेंट दे रहा है हमारी इंडस्ट्री को। सो थैंक यू सो मच सारे गामा पा। प्रियंका, आप कुछ कहना चाहेंगे? वेल, गुड इवनिंग एवरीवन। सारे गामा पा के हिस्सा में पहले रह चुकी हूँ, मैं आ चुकी हूँ इस शो पर और हमेशा बहुत ही फैबुलस मेमोरीज लेकर गई थी। मेरी पहली शादी हुई थी स्टेज पर। प्रियंका दीदी, मुझसे शादी करोगी? प्रियंका, आपकी सास माँ बैठी हैं। नमस्ते सासू माँ। शादीशुदा हो, याद रखना। हाँ, ये बात याद रख लेना, पति परमेश्वर जी। बहुत अच्छी मेमोरीज लेकर गई हूँ मैं। इसलिए तू कह रही है कि ये तेरा ससुराल है? हो सकता है ना, थोड़ा बहुत। अब मैं याद रखती हूँ, यहाँ पे सास ससुर कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन ससुराल जरूर है। लेकिन अनजाना अनजानी एक बहुत स्पेशल फिल्म है एंड एट द सेम टाइम एक सोलफुल लव स्टोरी है, एंड इन लोगों ने उसके म्यूजिक को देखकर चार चांद लगा दिया, आई हैव टू से। लेट्स ऑल्सो वेलकम द डायरेक्टर ऑफ द मूवी अनजाना अनजानी, प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ आनंद। Welcome to the show. Thank Are you. Join your gang. Oh my God. Maria. Jaroji. Maria. अच्छा मेरा emotion नहीं हुआ, thank God. सिद्धार्थ, इस तरह की मस्ती set पे भी चलती थी? इस तरह से ज़्यादा होता था, कुछ दिखा नहीं सकते हैं, सेंसर हो जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप लोग कहाँ बैठना चाहेंगे, आप बताइए।
We would love to sit with the mentors. हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. But I think हमें कुछ extra सीखने को मिलेगा अगर हम इनके साथ बैठे. So we'd love. अरे वाह क्या बात है यार. Very good, very good. So please, please take your seats. आज होने वाले सभी परफॉर्मेंसेज में से वो एक परफॉर्मेंस जो हमारे मेंटोर्स और हमारे सुपरस्टार्स रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा को सबसे ज्यादा पसंद आएगा वो बन जाएगा बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे. कल परफॉर्म करने वाले सभी छह सिंगिंग स्टार्स में से वो दो जिन्हें सबसे कम मार्क्स मिले हैं यानी जो अनसेफ जोन में है वो है अभिषेक और मम्पी. क्या इन्हें यहीं से मंच छोड़ के जाना होगा या फिर ये वापस अपनी टीम में आएंगे? पता करने के लिए शुरू करते हैं परफॉर्मेंसेस का सिलसिला और सबसे पहले बुलाते हैं सिंगिंग स्टार अभिषेक ज्योति को. I wanna be your lover. Baby, when you see me coming, yeah, you better run for cover. Cause you know when I find you, yeah, I wanna be your lover. Se log kahenge na kar pyar mujhe, main to lakh gura hu neend chura du hosh ura du, main to baahon mein leke baat bana du chahe jahan dekho chupa. बातों ही बातों में दो मुलाकातों में ले लूं बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया ऐ बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया. हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा ऐ बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया. Everybody see me coming, yeah, you better run for cover, cause you know when I find you, yeah, I wanna be your lover. Everybody see me coming, yeah, you better run for cover, cause you know when I find you, yeah, I wanna be your lover. जमाने के आगे मैं छेड़ूंगा ना छोड़ूंगा आंखें चुराएगी भी तो चुराऊंगा. हे 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 जा जा क्या बहाने बनाएगी देखूंगा दिल फेंकूंगा छोटे मोटे वादे सुना के बसाऊंगा. हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया. हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया ऐ बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया. इसे बोलते हैं मौके पे चौका. प्रियंका को देखा नहीं कि पता नहीं कहां से नए फेफड़े लगवा के आवाज निकली है इसकी और अच्छी सीढ़ी ली इसने. पहले रणबीर को बुलाया उसके बाद कहा रणबीर हट गया अब मैं प्रियंका पे लाइन मारूंगा. ये बहुत तेज हो गया. रणबीर क्या कहना है आपका इस बात पे? यार ये गाने का इफेक्ट है. अगर ऐसा गाना गाएगा तो यही होगा. ये बात तो मैं मानूंगा पर आप इनकी गायकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इतने मजे से गाते हो आप खुल के गाते हो ऐसे कोई टेंशन नहीं है कि यू नो मैं एक कॉम्पिटिशन में हूँ मैं एक शो में हूँ तो मुझे अच्छा गाना होगा. आप मजा कर रहे हो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट. जस्ट हैव फन एंड लेट योर द हार्ड वर्क दैट यू डन जो होमवर्क आपने किया है दैट विल जस्ट हैपन. थैंक यू सर.
बिगिनिंग में मुझे आप थोड़े से हिले हुए लगे, जैसे आपकी आवाज इतनी दम से नहीं आ रही थी. जब आपने बचना है ऐसी शुरू किया, फिर आप में ऐसी एनर्जी आ गई कि मुझे भी याद नहीं रहा कि मैं आपके सुर और ताल को सुनूं या नहीं. द एनर्जी वॉज फैंटास्टिक. थैंक यू. सो इट वॉज अ रियली गुड ब्लेंड आई फेल्ट. सी दैट्स योर मैजिक वर्किंग हियर. यू कैन यू नो. सो सिद्धार्थ क्या कहेंगे आप? आपकी मस्ती मुझे बहुत अट्रैक्ट की आई थिंक आपकी आवाज में. सो कीप दैट अप. On the whole, it was a fantastic performance, and God bless you, brother. You made it. Thank you, sir. ये गाना अपने आप में इतना कमाल है कि जब भी इसे सुनो आप तो उसमें आदमी इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें बह जाता है. रही बात आपकी जो परफॉर्मेंस की है, आपकी एनर्जी की, वो आपने बहुत बहुत बखूबी बहुत कमाल दिखाई. थैंक यू. और फाइनली उनसे बात करते हैं जिनका वो गाना है. तो सबसे पहले विशाल आप बताइए क्या कहेंगे. नहीं सर, जब आपने ऐसा बोला है तो हमारी जिम्मेदारी होती है ये बोलना कि ये गाना हमारा नहीं है. इस गाने में बहुत छोटा सा योगदान हमारा है. ये गाना हमारी ओर से एक श्रद्धांजलि है जो हमने पंचमदा, किशोरदा और मजरू साहब को अर्पित की थी. जहाँ तक विशाख के परफॉर्मेंस का सवाल है, लुक एट द एंड ऑफ द डे एक परफॉर्मर का काम है सबको इन्वॉल्व करे, अपने ऑडियंस को इन्वॉल्व करे और माहौल ऐसा क्रिएट करे जो मतलब धमाकेदार हो. I think you did that. Well done. Shekhar. Please, ye gaane ke liye, panchamda ke liye, zordaar taaliyan please. Thank you. Vishak, your performance was fantastic. Aur bachna hai haseenon se, dil loot liya aapne. Bahut zabardast gaya aapne. All the best to you. Thank you, sir. रणबीर आए हैं तो हसीनाएं कहां बच पाएंगी. वैसे अभी जब हमने हमारी गर्ल सिंगिंग स्टार से पूछा कि अगर आपको रणबीर के साथ एक दिन बिताना हो, ओहो अकेले में, तो आप क्या करेंगे? रणबीर कपूर के साथ टाइम मिले एक दिन पूरा स्पेंड करने का तो मैं क्या करूंगी? पहले तो एक अच्छी सी एकदम बंगाली लड़की की तरह साड़ी वाड़ी पहन के जाऊंगी के वो देखते ही वो विदा हो जाए. और जब हम हिल स्टेशन पहुंचेंगे तो वहाँ पर पहाड़ी पर चढ़कर मैं और रणबीर टाइटैनिक का पोज करेंगे. मैं उनके साथ ड्राइविंग क्लासेस जाऊंगी, ड्राइविंग करूंगी. हम दोनों एक साथ फिल्म देखने जाएंगे. मेरा हमेशा से सपना था कि मैं रणबीर कपूर के साथ सी साइड पे वॉक करूं. वो जो फिल्म डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, वो छोटी छोटी बारीकियाँ कैमरे के बारे में, वो बारीकियाँ वो मुझे सिखाएं पूरे दिन. मेरा यही विश है. मैं उनसे कहूँगी कि मुझे एक छोटा सा गुड नाइट किस दे दो. तो उसी मेमोरी को लेके मैं घर में जाके आराम से अपने बेड पे उसी ख्यालों में खो के सो जाऊंगी. रणबीर आपका क्या कहना है सबको सुन के बताइए प्लीज. रणबीर वहां तक आते आते माता लाडला बिगड़ गया. ये क्या हुआ? मतलब आप गलती से हुआ हुआ वो कंफ्यूज हो गए थे. मैं थोड़ा बह गया था. इतनी जो खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ, तो मैंने सोचा कि ये भी चांस मार लेता हूँ. ट्राई कर लेता हूँ. वैसे कुछ खास तौर पे कहना भी चाहेंगे आपने? पहले तो सबसे पहले तो इट फील्स रियली ग्रेट. थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार दे रहे हो मुझे. आई एम नॉट वर्दी ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट आई वुड रियली लाइक कि मैं ये सब चीज़ें करूँ इनके साथ. मैं आपके साथ गार्डन में, फिर हम सीसाई हिल स्टेशन, आपके साथ जाइविंग, आपके साथ कैमरे की तो वो आज हो जाएगा, जाइविंग भी आज हो जाएगा. मैं आप गुड नाइट किस तो मैंने आपको दे दी है. हिल स्टेशन और क्या था? हिल स्टेशन. लेकिन रणबीर तुमने तो गुड नाइट के सबको दे दिए, वो उसकी किस स्पेशल नहीं रही. उसको मैंने चीक में दिया. नहीं, आप बाकी सबको हैंड पे. आप क्या कह रहे हो? ये बारीकियां हैं. क्या करना है? उनको बहुत कुछ करना है. आपको क्या करना है? मुझे तो बहुत कुछ करना है. ये खुश हो गई तो आई वुड लाइक टू डू एवरीथिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. ग्रेट. मम्पी सोच रही है काश कुछ और भी मांग लिया होता, सिर्फ गुड नाइट किसी मांगी. ओहो, पर गुड यार, दैट्स ग्रेट. एक बार रणबीर के लिए जोरदार तालियां. दैट्स ग्रेट यार. अभिषेक और मम्पी, ये दो सिंगिंग स्टार्स फिलहाल अनसेफ हैं, लेकिन फैसला तो यार मेंटोस के हाथ में है ना, तो कहीं मत जाइए. बस एक ब्रेक की तो बात है और फिर होती है अपनी बात है. संगीत के सारे रंग लिए मैं मनीष पॉल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ. हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार में.
और अब बारी है हिट स्क्वाड से सिंगिंग स्टार सुगंधा के परफॉर्मेंस की, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। सुगंधा यहां पे खुद नहीं आना चाहती, उनको मैं लेने जाता हूँ, रीजन भी बताऊंगा। रुकिए सुगंधा, मैं आ रहा हूं। ओए होए होए, ये तो मतलब रणबीर गोद में नहीं उठाना। हाँ नहीं, हाँ सारी दर्दें ठीक हो गई आज। थैंक यू सो मच रणबीर। सुगंधा अब तो कुछ अलग ही सुर लगेंगे आज, मुझे लग रहा है। हा? शायद ना लगे ना। बताइए, वैसे मैं आपको बताऊं कि सुगंधा इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि रणबीर आ रहे हैं कि वो यहाँ से धड़म करके गिर पड़ी और इसलिए पैर में थोड़ी सी चोट लगी। पर सुगंधा तुम ठीक हो अब? Yeah. अब तो ठीक होगी, रणबीर यहाँ तक छोड़ के गए। लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर सुगंधा। सुगंधा क्या बात है। दलेर पाजी क्या कहेंगे? बहुत सोना गाया सोनी, मैंने दिल ना गाया, ये तो माहौल बना के रख देता है। जिंदी रहे, खुश रहे, रब रखा। कुड़िया फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। विशाल मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि आपने एक प्लेबैक सिंगर के लेवल पे गाया आज। प्रियंका वुड यू माइंड लिप सिंकिंग टू दिस जस्ट सो सुगंधा कैन गेट द एक्सपीरियंस। और मेरा दावा है कि आपकी आवाज
इन पे अलीशा से ज्यादा जचेगी. आई वुड रियली लाइक टू सी. क्या बात है प्रियंका, व्हाई डोंट यू कम हियर. आपको मैं लेने आ जाता हूँ. इससे पहले रणबीर आपको छोड़ने आए. प्लीज आई आई गेट यू हियर. सॉरी रणबीर. प्लीज प्लीज लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर प्रियंका. As good, if not better than the original, and Priyanka, ekdam original, the real thing. Thank you for doing that. I really appreciate it. Thank you so much. Let's have a big hand for Priyanka. Shekhar, जी आप पहले मिले होते तो आपसे ही गाना मैं रिकॉर्ड करवाता. और एक चीज कहनी बहुत जरूरी है यहाँ कि हमारे बीच में एक बहुत अच्छे सिंगर है जो हम दोस्त जानते हैं, इंडस्ट्री में कुछ लोग जानते हैं. और मैं चाहता हूं कि देश विदेश में लोग जाने कि हमारे पास ऐसे सिंगर्स हैं और उसमें से एक बहुत बहुत ज़बरदस्त सिंगर है जो हमारे बीच में है. और मैं चाहता हूं कि वो हमारे लिए तिनका तिनका एक बार गा दे. दिस इज आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन टेलीविजन दैट प्रियंका विल बी सिंगिंग तिनका तिनका. एंड दैट्स माई रिक्वेस्ट प्लीज. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sugandha, great job. Really fantastic. Great job. Thank you. Ranbir, आप खूबसूरत तो दिखते हो, लेकिन आप उससे भी और खूबसूरत गाते हो. So very, very nice. Priyanka, तो इन्होंने आपके लिए अभी playback भी किया. अब आप क्या कहेंगे? ये एक ऐसा गाना है जिसमें जिसको बहुत सादगी के साथ गाना पड़ता है. And that you did. Basically just about feeling, you know, love for somebody. कि आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत है और आप उनकी बात कर रहे हैं. That's the way you sang it. I think overall packaging बहुत अच्छा रहा. Really well done. अच्छा वैसे सुगंधा, आप कह रही थी कि टाइटैनिक का पोज आपने कहा था रणबीर के साथ. Yeah. आप ही कह रही थी ना. देखिए मैंने अभी कहा और रणबीर आप ही गए. ये और Flying, Ranbir, flying.
थैंक यू सुगंधा, ऑल द बेस्ट. क्या बात है, वेरी गुड. लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर रणबीर. थैंक यू रणबीर. और अब बारी है लावनी गर्ल के परफॉर्मेंस की, तो अभिलाषा प्लीज आ जाइए मंच पर. अरे गाना बंद मत करो, एक बार प्लीज वापस वापस. अभिलाषा जरा ¡Gracias!
सुपर हंगामा यहाँ पे चल रहा था। प्रियंका का तो डांस जबरदस्त था ही, लेकिन रणबीर को नाग बने मैंने पहली बार देखा। वो नाग बन के दलेर पाजी को डस रहे थे। नहीं 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 चल गया। मनीष मनीष मनीष, वो नाग नहीं वो नगीना है। ओए, ये करेक्ट बोला आपने। दलेर पाजी तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। थैंक यू। इतनी एनर्जी, इतना मजा, मतलब सारे रंग लगा दिए आपने आज यहाँ पे। वेरी गुड। आप दोनों जिस तरह ऐसे ऐसे लाते मार रहे थे, मुझे डर था कहीं निकल के वहां ना चली जाए। वो मुझे रणवीर जी कह रहे थे पाजी वो मैं डरती रबरी बोलो तारा रारा वो वाला स्टेप करो आप, तो इतना जोश इतना मस्ती दिलाई के। ओह क्या पाजी, एक बार वो गाना गा दो ना कुछ लाइंस सुनाई दो अभी। प्लीज सर। पाजी मैं डरती रब रब कर पाजी के लिए जोरदार तालियां। दलेर पाजी क्या कहेंगे? साजिद वाजिद मेरे दोनों भाइयों की तरफ से, विशाल जी शेखर जी की तरफ से, पांचों पांडो की तरफ से, चक दे फट्टे, रब रखा खुश रहे। थैंक यू सर। थैंक यू। रणबीर आप कुछ कहना चाहेंगे? यू नो मैं बहुत सारे म्यूजिक शोज पे गया हूँ, बहुत सारे रियलिटी शोज जहाँ गाते हैं वहां गया हूँ, एंड बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे, बट ऑनेस्टली मैंने ऐसा खूबसूरत परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखा है। आप इतना अच्छा गाती हो, आप जो मुझे इतनी समझ नहीं है सुर और ताल की, लेकिन जब आप गाती हो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यू आर दैट गुड, यू आर सो गुड। प्रियंका यू सैंग इट सो वेल एंड यू सैंग इट एग्जैक्टली द वे इट वाज इन द सॉन्ग। मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं उठ के आऊँ, फिर तुमने फाइनली बुला लिया मुझे, आई वॉज वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ आई थिंक आपका चॉइस ऑफ सॉन्ग वॉज वेरी नाइस, इट वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग लाइव, एंड आपने उसमें अपने आपका वेरिएशन आपने किए हैं, अपने आपका स्केल चेंज जो भी आपने किया, आई थिंक बहुत अच्छा किया वो, एंड यू मेड इट योर ओन, इज वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच अभिलाषा। थैंक यू। प्लीज दुनिया वालों अब बारी है एक ब्रेक की, तो कहता हूँ ब्रेक लीजिए और जल्दी आइए, क्योंकि बस एक ब्रेक की तो बात है फिर होती अपनी बात है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार। मैं आपको बताऊं कि बारी है अगले परफॉर्मर की। ओए होए कमाल के यार, इनको मैं कहता हूं ये एकदम तुर्रम है, क्योंकि इनका नाम ही खुर्रम है। खुर्रम आ जाओ यार मंच पर, तो जोरदार तालियां हो जाए। एक बात हाँ अच्छा, मैं रणबीर जी को मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे गाने के लिए आके लिपसिंग कीजिए, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें अगर सिंगर की वॉइस जो है वो हीरो पे सूट करती है तो उसे गाना मिलता है। मैं चाहूँगा कि रणबीर जी मेरे लिए आके लिपसिंग कीजिए। रणबीर साहब ये वो एक ऐसी नायाब वॉइस है, ही इज़ द ओनली कंटेस्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई थिंक ही कैन बी द फैंटास्टिक वॉइस फॉर यू एज अ सिंगर। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए,
रणबीर क्या कहेंगे? जैसे आतिफ ने ये गाना गाया था, the kind of depth और जो pain जो उसने डाला था, I think you had that in your voice and it was really a good performance. Well done. Thank you so much. और प्रियंका भी काफी मगन हो गई थी. प्रियंका अभी भी मगन लग रही हैं तो. मुझे तो प्यार हो गया है. नहीं नहीं मेरे बारे में ऐसा मत कहिए प्लीज. नहीं नहीं मेरे बारे में बोल. ठीक है मतलब खुर्रम अच्छा मैं ऐसे ही खुश हो रहा था. हाँ क्या कह रही थी? प्लीज कंटिन्यू. सबसे पहले तो रणबीर फुली डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे मुझे. मैं यहाँ पे इसीलिए आई क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वो कितने सिंसियरिटी के साथ अपनी परफॉर्मेंस देंगे. फिर मेरा फोकस आप पर आया. व्हेन यू स्टार्टेड सिंगिंग यू नो मेरी नज़रें एक तो आपसे नहीं हट रही थी और जिस तरह से आप गा रहे थे आई रियली मैं कह रही हूँ ना मुझे इश्क हो गया. थोड़ा सा एंगल इधर हो जाता तो मतलब बात ही अलग हो जाती. थोड़ा सा एंगल इधर उधर था पर चलो कोई बात नहीं. सिद्धार्थ आप बताइए. आई थिंक एक जो न्यू कमर है जिसका नाम रणबीर कपूर है उन्होंने जो ऑडिशन दिया आज आई थिंक वो बहुत इम्प्रेसिव था. आपको एक्टिंग ट्राई करना चाहिए लड़के. आपका नंबर क्या है? है ना? हाँ मुझे फ़ोन कीजिए आप. आई थिंक आपकी आवाज़ का एक टेक्स्चर जो है मुझे बहुत पसंद आया एंड आई थिंक वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी आवाज़. वेल डन. और अभी इसी वक्त मुझे सिद्धार्थ आनंद जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि इनका नाम क्या है. यू माइट बी कंसिडर्ड फॉर सिद्धार्थ आनंद नेक्स्ट फिल्म यू नो दैट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. कुरम यार प्रियंका को इश्क हो गया तुमसे यार. मैं I'm very jealous. मैं तो आपको जीरो देने वाला हूँ. सर जीरो चलेगा. लेकिन उस जीरो के आगे एक एक भी होगा. आपने बहुत अच्छा गाया. जेन्यून. थैंक यू सर. बहुत अच्छा गाया. बहुत बहुत सबका दिल जीता. रब तो बहुत तरक्की देवे. खुश रहो. रब रखा. वाजिद भाई गा वापिस. सुर दे जा. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए. बातें दिलों की देखो ये बातें यादें तुझे समझाए. तू जाने ना. दिखाना चाहता था आपको और ये रूप थोड़ा सा घबराता है. ये बहुत अच्छा गाता है. आई रियली लव यू ब्रदर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू यार. माय ब्रदर इज फॉलिंग इन लव विद हिम. देयर इज अ टेंशन फॉर मी. प्रियंका आई थिंक इट्स बेटर यू टॉक. मैं बस ये कहूंगी सच्ची में खुर्रम तुम्हारी आवाज में खुदा की बरकत है. रियली वाओ. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच खुर्रम. थैंक यू. एक बार प्रियंका जी मैम आई वांट टू हग यू. अबे बड़े फॉरवर्ड हैं आप. ये कोई तरीका होता है? अभी तो आपने बोला कि ये मतलब मैं सोच नहीं. हाँ लेकिन मतलब इतनी फर्स्ट स्टेप पे आप हग वग भी बात कर रहे हैं ऐसे थोड़ी ना होता है. लेकिन प्यार की शुरुआत तो ऐसे ही होती है. बताओ मैं कह रही हूँ आप बहुत फॉरवर्ड हैं. आप
आपके साथ होता होगा ऐसे प्यार की शुरुआत इतने, मतलब हम तो दूर दूर से प्यार करते हैं, दूर दूर से एडमायर करते हैं, आंखों ही आंखों में थोड़ी तकरार होनी चाहिए फिर जाके हगिंग। नहीं बोलिए आप जरा, नहीं एक गल और है, जे तू हग करना चाहना है तो कल्ला बाथरूम जाके हग कर ली। क्या बात है हगवाजी, पंजाबी जी कहते तू इन्ना तेन प्यार किया तू फिर भी हगना ही चाहना तो हग ले। अब ये हगने की बातें छोड़ो और जाके आराम से बैठो, ऑल द बेस्ट थैंक यू। रणबीर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और ये देख के तो आप एक्चुअल में कहेंगे ये एक्चुअल में अजब प्रेम की गजब कहानी है, और ये जो है आपको अपना सांवरिया बनाना चाहती हैं, तो आप मिलना चाहेंगे इनसे? पक्की बात? जब से हमारी रीनी मैडम को पता चला है कि शो पर रणबीर कपूर आने वाले हैं, वो फुल टू उनके बस ख्याल और दिमाग में रणबीर कपूर, आप देख सकते हैं उसे। मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी फ़र्स्ट मूवी आई थी सांवरिया, जो मैंने कॉलेज से स्पेशली अपनी क्लास स्किप करके मैं अपने फ्रेंड के साथ हॉल में देखने गई थी। एंड आई एम सच अ डाई हार्ड फैन कि आई थिंक इफ ही प्रपोज़ेस मी देन आई विल डेफिनेटली से यस और मैरी हिम और व्हाटएवर। आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन फॉर यू, और मुझे लगता है कि आपको मुझसे अच्छी ब्राइड तो कहीं मिलेगी ही नहीं, इसीलिए आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, विल यू मैरी मी? रणबीर, क्या आप इनसे मिलना चाहेंगे? 100% यार। रिनी प्लीज आ जाइए मंच पर। बोल लीजिए सामने। हाय रणबीर, सो आई एम रिनी चंद्रा एंड मैं कनाडा से आई हूँ। अभी मेरा गला खराब है, वैसे मेरी अच्छी आवाज़ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी सारी मूवीज़ देखी हैं, और आप सांवरी में बहुत क्यूट लग रहे थे एंड और मूवीज़ में भी, और आप पंजाबी हैं ना, पर मैं जानती हूँ कि पंजाबी लोग खाने पीने के कितने शौकीन होते हैं, तो मैंने स्पेशली आपके लिए शेफ़ ट्रेनिंग की है, कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर खिलाऊँगी। और मैंने सुना है कि आप जाने अनजाने में प्रियंका चोपड़ा जी के साथ काम कर रहे हैं, तो फैशन मूवी में उनका जो हेयर स्टाइल था आज मैंने वो कॉपी किया है ताकि मैं आपको थोड़ा और इम्प्रेस कर सकूँ, तो आई लाइक यू टू बट आई लाइक टू आस्क यू कि विल यू मैरी मी? रणबीर चल। अरे वाह सीरियसली, आइए आइए, यहाँ शादी यहाँ कर रहे पक्का कर रहे हो ना? यहाँ कर रहे लाडला फिर बिगड़ गया। लड़के के पाता मिता को बुलाइए, आइए आशीर्वाद दीजिए। हम लोग लड़कों की तरफ से हैं, लेकिन मैं कन्यादान कर रही हूँ। आप लोग तैयार हो? अरे मगर लड़की के माता पिता को तो बुला लो, वो कन्यादान ये कर रही है। अनजाना अनजानी सुपर हिट स्वाहा, 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 अनजानी सुपर हिट स्वाहा, अनजाना अनजानी सुपर हिट स्वाहा, सुपर हिट स्वाहा, भागो 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 भागो, सुपर हिट स्वाहा, भागो हिट स्वाहा, भागो हिट स्वाहा, भागो हिट स्वाहा, सुपर हिट स्वाहा, सुपर हिट स्वाहा, सुपर हिट स्वाहा।
ऐसी शादी है ये पहली ऐसी शादी है जहाँ पे लड़की ने 3 चक्कर काटे और लड़के लड़के ने 27 चक्कर काट लिए आके सही है किसी ना किसी की शादी हो ही जाती है यहाँ पे पहले अभी उनकी अपनी प्रियंका की भी यहाँ पे शादी हुई थी अब रणबीर की हो गई है वेरी गुड यार अब शादी से जरा आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारी अगली सिंगिंग स्टार श्रेयसी को क्या बात है आज कमेंट्स मैं खड़े होके लूंगा विशाल शेखर के श्रेयसी सुपर
माइंड ब्लोइंग, ग्रेट जॉब, वेल डन। आज की जो ये रात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी रणवीर जी की शादी हो गई, जितनी खुशियां उस वक्त हो गई उतनी खुशियां आज मनाई जा रही हैं। आज सारी शाम सारी रात इनके नाम है। तो बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत बहुत बेटा आपने बहुत प्यारा गाया, बहुत ही अच्छा गाया और सबका दिल जीता है। खुश रहो। थैंक यू। वाकई ही इतना खूबसूरत गाया, मैं इतना मगन हो गया था। आई वाज सिंगिंग विद हर एंड ऐसा ही लग रहा था जैसे वी हियरिंग एंड रिकॉर्डिंग। आज से तेरा नाम मगन ही रख दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर श्रेयसी। एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस, उसके बाद मेंटर्स का फैसला। तो कहां जाइएगा, बस इस आखिरी ब्रेक की तो बात है, फिर होती अपनी बात है। वेलकम बैक टू हीरो होंडा सारेगामा पा सिंगिंग सुपरस्टार। और अब बारी है आज के हमारे आखिरी परफॉर्मेंस की, और ये जो परफॉर्मेंस है भाई बड़े ही कमाल का है। ये वो नाम है जो हर कंटेस्टेंट यहाँ पे ले रहा था। कमल के लिए कमल, प्लीज आ जाइए। मुंडा सांडा टोली चढ़ गया बैंड बज गया, होए होए होए। मुंडा सांडा टोली चढ़ गया बैंड बज गया, होए होए होए। सबसे पहले प्रियंका, आप क्या कहेंगे? Well, ये बहुत ही एनर्जेटिक गाना है एक, और आपने देखा हम लोग माहौल कितने यू नो डांस टाइप हो गया, एंड एवरीबॉडी गॉट एनर्जी एंड एवरीबॉडी वाज वेरी एंथुसियास्टिक। कमाल है, कमाल, तुसी तो कमाल कर देता। लेकिन लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कह सकती हूँ? जी जी। हमारी फिल्म अनजाना अनजानी में एक गाना आपने सुना होगा, आसपास खुदा। जी, क्या आप वो जानते हैं गाना? जी। मेरे लिए थोड़ा सा गाएंगे? मुझे लगता है उसमें जो आपकी आवाज़ की क्वालिटी है उस गाने को बहुत सूट करेगी।
प्रियंका क्यों ना एक काम करें, पहले जरा कमेंट्स ले लें इनसे, उसके बाद अगर आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. ब्रिलियंट. ओके तो रणबीर बताइए. यार मैं क्या बताऊं, जब आप गाते हो तो जैसे प्रियंका ने कहा कि माहौल जो आप बनाते हो, यू जस्ट इन्फ्यूज एनर्जी इन एवरीवन. आपका जो स्टाइल है यू नो, जैसे आपका पाव हिलता है, आपकी आंखें में जो नशा है वो सब दिखता है एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन योर वॉइस एंड इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग. ऑलराइट सिद्धार्थ, आई थिंक आप एक कंप्लीट परफॉर्मर हैं, आप सिंगर हैं, यू गेट यू इन्वॉल्व द क्राउड इन, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी. वेल डन. थैंक यू सर. पाजी की कहते हो? सुरीला बहुत है, बहुत अच्छा गाता है, वो हम सब इसके बहुत फैन हैं, लेकिन इस बात का आज दुख है कि बहुत ही बेलया, बहुत बेताला परफॉर्म किया, पता नहीं क्यों और किस खुशी में, किस जोश में, या बहुत नर्वस है, उम्मीद नहीं और तेरे तो ये बर्दाश्त भी नहीं बनू, ठीक है ना? सॉरी सर. सॉरी. रब रखा. थोड़ा थोड़ा राय अच्छा। इसमें साजिद भाई आपका क्या कहना है? जहाँ पर यार आपके पास सामने प्रियंका चोपड़ा हो और रणवीर कपूर हो तो वहाँ ताले तो अच्छे अच्छों की ताल हिल जाती है, तो ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है. हाँ। पाजी की तरफ से मैं तेको बोल देता हूँ, चक दे फटे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चक दे फटे. शेखर आप क्या कहेंगे? जी मुझे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे साहब जो है यहाँ खड़े हैं वो प्लेबैक सिंगर बन चुके हैं, उनका गाना तीसमार खान में रिकॉर्ड हो चुका है और हमारे बहुत बड़े दबंग के एक्टर सलमान खान पे पिक्चराइज है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. अक्षय कुमार, कतरीना कैफ, थ्री ऑफ देम इन द सॉन्ग और कमल उनके लिए गा रहे हैं. कमल फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेबैक सिंगर बन गए हो, लेकिन लाइव यहाँ वहाँ हो गया था तो उसका बहुत सही बोला मैं. बिल्कुल इसको ध्यान में रखना, हम यहाँ सब बैठे हैं आपको सिखाने के लिए. ओके and we have a playback singer on Saregamapa, so I'm very happy about it. Congratulations. Bhai, Priyanka ne ek request yahan ki hai, to wo complete honi chahiye na, hai na? Aisa ho hi nahi sakta. Bilkul, Kamal, taiyar hai aap? All right, all the best. रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान. तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास. तू हो यहाँ रहूंगा मैं वही, तुझसे कभी
जो हम चार फिल्मों में नहीं कर पाए इन्होंने एक गाने में कर दिया। सिद्धार्थ साहब कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा मुबारक मौका मैं क्या कहूँ। कमल थैंक यू यार। वैसे गाना इतना जबरदस्त यहाँ कमल ने गाया कि प्रियंका जो है काफी इमोशनल लग रही थी, एकदम डूब गई थी। प्रियंका रियली कमाल है। एक तो ये इतना कमाल का गाना है, इतना खूबसूरत गाना है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म। और तुमने आई मीन यू सैंग इट सो सो मच बेटर देन मादर लाडला। लाइक जो दिलेर पाजी कह रहे थे उस गाने में, इस गाने में तुमने इस तरह गाया इस गाना की गाने को कि आपको अग्री करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल दिल को छू गया ना, दिल के अंदर उतर गया ये। जो आप बात आपने कही थी वो फिर से अब अच्छी बात कहती है। अब अच्छी बात कही, बिल्कुल सही बात। सुपर्ब, यू वर सो गुड, सो गुड। क्या बात है, थैंक यू कमल, थैंक यू प्लीज। अब ये हंसी खुशी का माहौल जो है थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंटर्स का फैसला जो है वो मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे हमारे बॉटम टू में ऑलरेडी जो है दो हमारे सिंगिंग स्टार्स जो अनसेफ हैं वो हैं अभिषेक एंड मम्पी। मैं चाहूंगा पहले आप दोनों प्लीज मंच पे आ जाएं। और अब मैं बताता हूं कि आज के बॉटम टू कौन हैं। आज जो आए हैं अनसेफ जोन में उनका नाम है विशाक। आ जाइए। आज का दूसरा नाम जो है अनसेफ जोन में वो है कमल। ये है हमारे बॉटम फोर और इनमें से ही आज किन्हीं दो को ये मन छोड़कर जाना होगा। सबसे पहला नाम जो आज ये मन छोड़ के जा रहा है वो है अभिषेक। और दूसरा नाम जिसे आज ये मन छोड़ के जाना पड़ेगा वो है मम्पी। रणवीर कुछ कहना चाहते हो आप? वेल, क्योंकि ये कंपटीशन है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस इतने बड़े मंच सारे गामा पा सिंगिंग सुपरस्टार में पहुँचे हो, और कंपटीशन है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये ज़िंदगी का नियम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना हौसला हारो, यू नो, हौसला बुलंद रखो, मेहनत करो, लगन से काम करो, एंड आई एम श्योर वन डे यू विल बी द सिंगिंग सुपरस्टार ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री एंड दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। यू नो, मैं भी एक कॉम्पिटिशन के ज़रिए से ही इस फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ। मैं मिस इंडिया बनी, फिर मिस वर्ल्ड बनी, और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे फिल्मों में आने का मौका मिला। तो मुझे मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंस होता है। मैं समझ सकती हूँ कि जब आप इस मंच पर आते हैं तो स्ट्रेस कितना होता है, और एक कंपटीशन के ज़रिए अपने सपनों को हासिल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप इंडिया के सामने इस मंच पर यहाँ तक पहुँचे, वो भी सारेगामा पा में, जो इतना बड़ा शो है, और आपको इतने दिग्गजों ने बोला है कि आप उनके साथ काम करें, तो ये बहुत बड़ी बात है मम्पी, तुम्हारे लिए भी और अभिषेक के लिए भी। आई थिंक इस लास्ट फेयरवेल के लिए अगर विशाल शेखर एक गाना गा सकते हैं जो गाना है इना फिल्म अनजाना अनजानी तुझे भुला दिया, आई थिंक इट विल बी अ गुड फेयरवेल एंड टू, और ये हमारा डेडिकेशन है तुम दोनों के लिए, आप दोनों के लिए। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में
अब मेरा कुछ भी नहीं, हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं तुझसे ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया।